राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फ्लामेशन को कंटिन्यू, और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो क्या डिफरेंस है इन्फ्लामेशन में और इन्फेक्शन में? सो सबसे पहले, इन्फेक्शन इज इन्वेजन इनटू द बॉडी बाय हार्मफुल माइक्रोब्स एंड द रिजल्टेंट इल इफेक्ट्स, वाइल इन्फ्लामेशन इज अ जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ वेराइटी ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स सच एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। सो इन्फेक्शन से पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़, इन्फेक्ट होना किसी चीज़ से, किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। सो इन्फेक्शन इज इन्वेजन इनटू द बॉडी। इन्वेजन मीन्स हमारी बॉडी में किसी ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घुस जाना। इन्वेजन इनटू द बॉडी बाय हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स को एंटर करना हमारी बॉडी में, एंड द रिजल्टेंट इन इल इफेक्ट। और वो जब हमारी बॉडी में आते हैं तो उसके रिजल्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में कुछ इल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल कंडीशंस में हम वायरल फ्लू बोल सकते हैं, वायरल फीवर बोल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरस या फिर इन्फेक्शन के कारण होती है। सो इन्फेक्शन इज एन इन्वेजन इनटू द बॉडी बाई हार्मफुल माइक्रोब्स एंड द रिजल्टेंट इल इफेक्ट, वाइल इन्फ्लामेशन इज अ जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन एक जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बाई द बॉडी टू अ वेराइटी ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स। इन्फ्लामेशन एक जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी से एक जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आता है जो वेराइटी ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स के लिए होता है। इटियोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि ऐसे एजेंट्स जो इस चीज़ को ओरिजिनेट करते हैं, जैसे कि वो इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, वो नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं। सो इन्फ्लामेशन इज अ जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बाई द बॉडी टू अ वेराइटी ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। सो ये बात हुई बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। फिर से एक बार पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। इन्फेक्शन इज इन्वेजन इनटू द बॉडी बाय हार्मफुल माइक्रोब्स एंड द रिजल्टेंट इल इफेक्ट्स, वाइल इन्फ्लामेशन इज अ जनरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू अ वेराइटी ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। नाउ बेसिक प्रोसेस में क्या है? इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व्स टू बेसिक प्रोसेस विथ सम ओवरलैपिंग। सो ओवरलैपिंग से कुछ दो बेसिक प्रोसेस मेनली इन्फ्लामेशन में आती है। पहली तो अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड लेटर फॉलोड बाय रिपेयर, यानी पहले क्या होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, फिर क्या होता है उसका रिपेयर। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके सो इन्फ्लामेशन में जो ये दो बेसिक प्रोसेस है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओवरलैप यानी कि एक ख़त्म होते ही तुरंत दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे दिस टू हैंड्स आर ओवरलैपिंग वन अनदर, वैसे ही इन्फ्लामेशन की प्रोसेस है, ये ख़त्म होते होते यहाँ तक रिपेयर स्टार्ट हो गया। सो एक काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, आई नो आप लोग समझ रहे हो लेकिन फिर भी मुझे एक्सप्लेन करना है। सो इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व्स टू बेसिक प्रोसेस विद ओवरलैपिंग ईच अदर। फर्स्ट है अर्ली इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड लेटर फॉलोड बाई रिपेयर, पहले होगा इन्फ्लामेशन और फिर होगा वो इन्फ्लामेटरी सेल्स का रिपेयर। दो बोथ दिस प्रोसेस जनरली हैव प्रोटेक्टिव रूल अगेंस्ट इंजुरियस एजेंट्स, इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग मे कॉज कंसिडरेबल हार्म टू द बॉडी एज वेल। सो हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो जनरली प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है इंजुरियस एजेंट के खिलाफ, यानी जो भी एजेंट्स है जो इंजरी पहुंचाने के मतलब से हमारी बॉडी में आते हैं इंजुरियस एजेंट के खिलाफ, ये प्रोटेक्टिव रोल का प्रोटेक्टिव रोल का काम करते हैं ये दोनों प्रोसेसेस, रिपेयर की और इन्फ्लामेशन की। लेकिन फिर भी इन्फ्लामेशन और हीलिंग है, उससे कंसिडरेबल हार्म भी पहुंच सकता है हमारी बॉडी को, जैसे कि एनाफाइलेक्सिस टू बाइट्स बाई इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, टॉक्सिन्स, एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेट्रा। सो एनाफाइलेक्सिस वाली कंडीशन हो सकती है ड्यू टू द बाइट ऑफ इंसेक्ट और रेप्टाइल्स, टॉक्सिन्स, एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेट्रा। सो अब देखते हैं इम्यूनिटी यानी इम्यून रिस्पॉन्स एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, वॉट इज इट? सो बोथ दिस प्रोसेस बाय द होस्ट आर इंटरलिंक्ड। ये दोनों प्रोसेस है इम्यूनिटी की और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है
यानी कि वाइल इन्फ्लामेशन इज विजिबल रिस्पॉन्स टू एन इम्यून रिएक्शन, यानी इम्यून रिएक्शन का एक विजिबल रिस्पॉन्स बोल सकते हैं हम इन्फ्लामेशन को, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑलमोस्ट एसेंशियल बिफोर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अपीयर. सो ये बहुत ज़रूरी है कि इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाए बिफोर द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अपीयर्स. सो ये दोनों प्रोसेसेस क्या है, होस्ट में एक इंटरलिंक्ड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड मैकेनिज्म है, जबकि इन्फ्लामेशन है वो एक विजिबल रिस्पॉन्स है हमारी इम्यून रिएक्शन का. इम्यून रिएक्शन को एक्टिवेट होने के बाद जो इन्फ्लामेशन होता है, मतलब वो एक विजिबल रिएक्शन है, हमारी इम्यून सिस्टम वर्क कर रही है उसका, और इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना एसेंशियल है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अपीयर होने के लिए. ओके, सो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ है. हमने क्या क्या देखा आज की वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, बेसिक प्रोसेस क्या है, एंड इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. सारे पॉइंट्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इन्फेक्शन इज इन्वेशन इन टू द बॉडी बाई हार्मफुल माइक्रोब्स एंड द रिजल्टेंट इल इफेक्ट, वाइल इन्फ्लामेशन इज अ जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स बाई द बॉडी टू अ वेराइटी ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स. सो इन्फेक्शन इन्वेजन इन टू द बॉडी बाई हार्मफुल माइक्रोब्स विच रिजल्ट विल बी इल इफेक्ट्स. इन्फ्लामेशन एक जनरल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का टू अ वेराइटी ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स विच मे बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. Now basic process, inflammation involves two basic process with overlapping each other, early inflammatory response and later followed by repair. Though both these processes generally have protective role against injurious agent, inflammation and healing may cause considerable harm to the body as well. Anaphylaxis to the bite by insects or reptiles, toxins, atherosclerosis, etc. Immunity, yani ki immune response and inflammatory response, both this process by the host are interlinked protective mechanism on the body. Both this process in the host are interlinked protective mechanism in the body, while inflammation is visible response of immune reaction. Inflammation hai wo ek visible response hai immune reaction ka. Inflammation is a visible response to an immune reaction, and activation of immune response is almost essential before inflammatory response appears. Aur activation of immune system hai wo essential hai before the inflammatory response appears. So in the next video we will talk about साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन. सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. एक बार इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन रिवाइज करके जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन है वो मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल फिनोमिना है, तो इसकी डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए. सो इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी ड्रग एजेंट, सॉरी एनी इंजरियस एजेंट. It's a body's defense mechanism in order to eliminate or limit the spread of injurious agent, followed by removal of necrosis cells and tissues. So, यहाँ तक खत्म किया हमने. मिलते हैं next video में, तब के लिए टाटा बाय. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी. और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कॉमेंट में ज़रूर बताइए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू.